एडजस्ट मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, ठीक है, तो हम लोगों ने आ पिछले रही है क्लास सर। में स्टार्ट किया था क्या बोलते हैं कि कौन सा था, लगे ईएमआई स्टार्ट किया था। ईएमआई हाँ, और ईएमआई में मैंने कहाँ तक पढ़ाया था आपको याद है कुछ? सर, आपने कल सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। मैग्नेटिक फ्लक्स हमने देखा था सर, बीए कॉस मैग्नेटिक थीटा। फ्लक्स, ओके ओके, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया था आपको, 5B इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, राइट। यहाँ पे यस बी था मैग्नेटिक फील्ड और ए था एरिया वेक्टर, और कॉस थीटा इनके थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया राइट। बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यस, अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फैराडे एक्सपेरिमेंट। फैराडे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो फैराडे ने ईएमआई के ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, उनके एक्सपेरिमेंट क्या थे वो समझाता हूँ। उनका कहना ये था कि अगर देखो, आगे हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ेंगे, फिलहाल तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल अप्रोच देखते हैं। उनका कहना यह था कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, डायरेक्शन कुछ भी हो, व्हाट एवर डायरेक्शन इज, ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन यहाँ पे इनवर्ड है, बस कंडीशन ये है कि सर मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी वेरिंग या चेंजिंग। तो अगर मेरे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो, और इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग, अगर एक लूप रखोगे, कंडक्टिंग कॉइल या सिंपल लूप, ये कंडक्टिंग कॉइल मान लो, इस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में खाली एक लूप रख दोगे तो अपने आप ये करंट इंड्यूस कर लेगा, इंड्यूस करंट उसके अंदर आ जाएगी। ये बेसिक फंडामेंटल है कि किसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के पास या किसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक कंडक्टिंग कॉइल डालोगे तो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाती है, ठीक है, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। When we place a conducting coil in the varying magnetic field, a current is induced in the coil. A current is induced in the क्वाइट बात समझ गए? ये पहला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था। अभी हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, अभी मैं ब्रीफली बता रहा हूं। इन्होंने ऐसे भी कहा कि अगर मान लो मेरे पास सर। मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग नहीं है, स्टैटिक है, मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है या कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास है भी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भी, तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं एक कंडक्टिंग कॉइल को रखूं, अगर मैं एक कंडक्टिंग कॉइल, मान लो इसका रेडियस आर है, इस कंडक्टिंग कॉइल को रखूं, और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो अगर कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं इस क्वाइल को रोटेट कर दूं, इफ वी रोटेट द क्वाइल बाय ओमेगा, देन अगेन इट विल इंड्यूस द क्वाइल, इट विल इंड्यूस अ करंट, अगेन अ करंट इज इंड्यूस्ड, इंड्यूस करंट। हमारा कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इस क्वाइल का एरिया भी कांस्टेंट मान लो, मान लेते हैं, जब इस क्वाइल को हम रोटेट करेंगे तो क्या चेंज होगा? सिंपल सी बात समझो कि क्वाइल है, ये तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पे बना एक हुआ है, मिनट सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, वो करो,
अब दिख रहा है स्क्रीन बेटा? स्क्रीन दिख रहा है अभी? एडजस्ट स्क्रीन आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है? अच्छा एडजस्ट है नहीं। एडजस्ट आपको स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही है? यस सर दिख रही है सर। ठीक है, तो जब इस क्वाइल को रोटेट करोगे तो अच्छा क्वाइल पहले मोबाइल स्क्रीन पे ऐसे मोबाइल स्क्रीन पे के ऊपर बना हुआ है क्वाइल, ठीक है, और फील्ड लाइंस स्क्रीन के अंदर जा रही हैं। okay, तो कुछ फील्ड लाइंस 5-10 फील्ड लाइंस या कुछ फील्ड लाइंस इस क्वाइल के अंदर से पास होती होंगी, है ना। अब जैसे ही क्वाइल को रोटेट करोगे तो क्वाइल कुछ सीधा खड़ा होने लगेगा स्क्रीन के ऊपर, तो क्या तब भी उतनी फील्ड लाइंस पास करेंगी? डेफिनेटली नॉट। जब क्वाइल को खड़ा करोगी, जब क्वाइल को खड़ा करोगी सीधा, ठीक है, तो उतने फील्ड लाइंस पास नहीं होंगे, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे क्वाइल इंड्यूस करंट इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे क्या चेंज करेगा? यहाँ पे थीटा चेंज करेगा। तो थीटा के चेंज करने से, क्योंकि हमें पता है कि फ्लक्स फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन बी ए कॉस थीटा, ठीक है, बी कॉन्स्टेंट है तुम्हारा, ए कॉन्स्टेंट है तुम्हारा, अगर आप एंगल चेंज कर दो, एंगल चेंज कर दो बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, जब क्वाइल को रोटेट करोगे तो एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल चेंज होगा, जब एंगल चेंज होगा तो तुम्हारा क्या होगा? फिर से वापस करंट इज इंड्यूस्ड, करंट इज इंड्यूस्ड, थीटा का चेंज होने से भी होगा। अब इस बार एरिया को चेंज कर देते हैं, तीन फैक्टर्स हैं, या एंगल या बी या ए। तीसरे केस में क्या किया मैंने कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट भी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जो मैंने कंडक्टिंग कॉइल रखा, इस ऐसा सिस्टम मैंने बनाया कि कंडक्टिंग कॉइल जो है उसकी एरिया चेंज हो, इसकी एरिया चेंज करें। तो जब कंडक्टिंग कॉइल का एरिया चेंज होगा तो उस केस में भी फ्लक्स क्रिएट होगा और फिर वापस से करंट इज इंड्यूस्ड। तो हर बार करंट आएगा जब आपका या तो बी चेंज होगा या ए चेंज होगा या थीटा चेंज होगा, इन तीनों में से कोई सा भी चेंज होगा तो करंट आएगा हमेशा, ठीक है, बात समझ रहे मेरी? यस सर। यानी कि फ्लक्स लाने, देखो जब फ्लक्स आएगा इंड्यूस करंट आएगा, तो फ्लक्स डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एरिया ऑफ द कंडक्टिंग कॉइल एंड नींद आ रही तुमको? एंड एंगल बिटवीन द यू आर योनिंग, मतलब कि नींद आ रही है ना? कट रही है सर, कट की थोड़ा मेरी आवाज कट रही है। यस सर। अच्छा नेटवर्क तुम्हारा वीक है क्या? ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था कि जब मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेंगे या एरिया ऑफ द क्वाइल वैरी करेंगे या एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वैरी करेंगे, तब तक हमारे पास इंड्यूस करंट होगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने लॉ दिया, ठीक है सर, क्या दिया? लॉ दिया, ठीक। पहला लॉ क्या दिया? दो लॉज थे इनके, फैराडे के। पहले बात करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ,
हाँ जी सॉरी यार, वो जरा दिक्कत है। चलो तो फैराडे फर्स्ट लॉ, तो फैराडे को मैंने बोला कि दो लॉज है, एक पहला है फैराडे फर्स्ट लॉ, दूसरा फैराडे सेकंड लॉ। देखो बेटा, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि दैट व्हेनेवर व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, whenever there is change in magnetic flux linked with a conductor, whenever there is a magnetic flux change whenever there is change in magnetic flux linked with a conductor, an emf is induced, and emf is induced, and EMF is induced. यानी कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे EMF आएगा, ठीक है? लेकिन एक कंडीशन है बेटा, कंडीशन ये है कि दैट जो जो आपका लूप है, जो जो आपका कंडक्टर है, वो हमेशा एक क्लोज लूप बनाए,
अगर क्लोज लूप नहीं बनाएगा, मैं लिख देता हूं कंडीशन दैट इफ द कंडक्टर फॉर्म्स अ क्लोज लूप, क्योंकि हमें पता है कि करंट कभी भी क्लोज्ड सर्किट में ही फ्लो करता है, करंट कभी भी ओपन सर्किट में आता ही नहीं है, तो सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड। द कंडक्टर फॉर्म्स अ क्लोज लूप या क्लोज सर्किट एंड इंड्यूस्ड करंट इज, एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया एक नॉर्मल सी बात। अगर थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलो तो इसको ऐसे बोल सकते हैं दैट व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड मैग्नेट, कॉइल एंड अ मैग्नेट एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ इट इज, इट्स मत लिखो, इट्स शॉर्टकट हो जाएगा, इफ इट इज अ क्लोज्ड लूप, इफ इट इज अ, इफ इट इज अ क्लोज्ड लूप या क्लोज सर्किट, लूप कहो सर्किट कहो एक ही बात है, एंड एन इंड्यूस्ड करंट फ्लोस थ्रू इट। एक बात तो यह है कि आप किसी क्वाइल के पास मैग्नेट को रखो और आगे पीछे मूव कराओ, इस क्वाइल के अंदर करंट आ जाएगा, क्या आएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके पहले जो मैंने लिखवाया वो ये लिखवाया कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के लिए क्या शरायत है, क्या कंडीशन है, मैग्नेटिक फ्लक्स तभी चेंज होगा जब आप क्वाइल को या मैग्नेट को मूव कराओ, क्वाइल को मूव कराने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जैसे आप इस मैग्नेट को आप लेकर जाओगे कहीं, यहां लेकर आ जाओगे इस पॉइंट पे, सेकंड जो मैंने डार्कर बनाया है इस पॉइंट पे लेकर आ जाओगे, तो फील्ड लाइंस लिंकेज विद द क्वाइल कम हो जाएंगी, और अगर मैग्नेट को आप यहां पास लेकर चलेगा ये इस वाले लेफ्ट वाले पॉइंट पे ये, तो अब इस बार फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, तो आप मैग्नेट को पास लेकर जाओ या फील्ड लाइन को पास लेकर या क्वाइल को के को पास लेकर जाओ, दोनों ही सूरतों में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द क्वाइल चेंज होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कब होगा, जब आप मैग्नेट को या क्वाइल को, अच्छा मैग्नेट को फिक्स कर दो, क्वाइल को मूव करा दो, दोनों ही सूरतों में, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल देखो ये आपका क्वाइल है, इससे कई सारे कितने भी टर्न्स हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं, तो मैं एक टर्न ही लेके चलता हूँ, एक टर्न का क्वाइल है, गैल्वेनोमीटर लगाया ताकि करंट रीड हो सके, है ना, और यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया मैंने, मैग्नेट के दो पोल्स होंगे नॉर्थ एंड साउथ, और इसके फील्ड लाइन्स होंगी कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से फील्ड लाइन्स निकलेंगी बाहर की तरफ, सिंपल, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये सब तो पढ़ा हुआ क्लास टेंथ में, है ना, फील्ड लाइंस आर लिंकिंग विद द क्वाइल, और जैसे ही आप मैग्नेट को आप इधर ले जाओगे या इधर ले आओगे, वैरी करोगे मैग्नेट की पोजीशन को, तो क्या होगा, इस क्वाइल में करंट आ जाएगा, इस क्वाइल में करंट आ जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा, ठीक है, और इस क्वाइल में इंड्यूस करंट आने का मतलब यह है कि डेफिनेटली फ्लक्स चेंज हुआ था,
फ्लक्स चेंज क्यों हुआ, मैग्नेट की पोजीशन चेंज होने से, मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन आने से। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो एडजस्ट। एडजस्ट तुम बीच में क्यों चली जाती है छोड़ के? सर मेरे डिवाइस से बार बार डिसकनेक्ट हुआ सर, ये मैंने मामा के फोन से फिर से कनेक्ट किया। तुम्हारी आवाज भी प्रॉपर आ रही है इस बार, ठीक है? तो ये आपको समझ आया? सर मिस वो आपका भी आवाज नहीं आ रहा था सर, उसलिए। ये लॉ आपको समझ में आया कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड अ मैग्नेट एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ इट इज अ क्लोज लूप एंड एन इंड्यूस करंट फ्लोस थ्रू इट। नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? नहीं आया सर, आपने कहा था कि देखो मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैग्नेट है, ठीक। अब इसकी फील्ड लाइंस देखो, ये 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 कई सारे फील्ड लाइंस है, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। Yes, जब इस मैग्नेट को आप दूर लेकर जाओगे तो मैग्नेट कहीं यहां पहुंच जाएगा, yes, sir. ठीक है। और इस बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस कुछ यूं होगी, yes, sir. तो कॉइल से लिंक होती हुई कितनी लाइंस हैं? ये एक ही लाइन तो है जो कॉइल से लिंक हो रहा है, ये वाला। बाकी ये भी करीब से निकल रहा है, ये भी, ये जाकर मतलब लिंक हो जाएगा थोड़ा सा ये। चलो ये दो लाइन लिंक हो रही है। जब मैग्नेट पास में था तो चार लाइन्स लिंक हो रही थी, और जब मैग्नेट दूर हो गया तो दो लाइन्स लिंक हो रही है। तो मैग्नेटिक जब नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स
घटेंगी यानी कि फील्ड लाइन की डेंसिटी घटेगी तो डेफिनेटली फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा और फ्लक्स कम होगा तो इंड्यूस करंट आएगा, है ना। या जब इस मैग्नेट को, या जब इस मैग्नेट को तुम पास लेकर चले, यहां लेकर चले जाओ, स्ट्रॉन्गर हो जाए, जब यहां पर लेकर चले जाओगी तो क्या हो जाएगा, यहां पर फील्ड लाइंस और लिंक और लिंक हो जाएंगी। यस सर, द फील्ड लाइंस और भी लिंक हो जाएंगी तो फील्ड स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग करंट आएगा। Yes, तो कहने का मतलब ये, अच्छा एक चीज और समझो, अगर मान लो मैंने मैंने मान लो मैग्नेट को यहाँ पे छोड़ दिया, इस पॉइंट में मान लो लाग छोड़ दिया, तो मान लो मैग्नेट फील्ड फील्ड लाइन की वैल्यू मान लो है, फ्लक्स की वैल्यू मान लो है 5, तो ये 5 फिक्स हो जाएगा। और जब तुमने फील्ड मैग्नेट को यहाँ रखा था, मान लो फील्ड लाइन की वैल्यू है 2, तो ये 2 फिक्स हो जाएगा। तो इसके एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ये है कि देखो आप यहां पे लिखो पोजीशन ऑफ मैग्नेट और यहां पे लिखो इंड्यूस करंट, ठीक है। जब मैग्नेट को पहला प्लेस्ड नियर कॉइल, जब मैग्नेट को कॉइल के करीब रखा तो नो करंट। जब मैग्नेट को मूव्ड अवे फ्रॉम कॉइल, जब मैग्नेट को कॉइल से दूर ले गए, ठीक है, जब मैग्नेट को उठा करके इस रेड वाले पोजीशन पे ले गए, दूर वाले पोजीशन पे, मान लो ये बी पोजीशन या ए पोजीशन, ठीक है, तो जब बी पोजीशन पे ले गए, इन दैट केस अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जब मैग्नेट को हमने प्लेस्ड एट बी, यानी प्लेस्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाके छोड़ दिया वहां पे, नो करंट। यस सर, और वापस से जब मैग्नेट को मूव्ड टुवर्ड्स नियर कॉइल या मूव्ड टुवर्ड्स कॉइल, जो भी कह लो, तुम्हारी इंग्लिश ज्यादा अच्छी है, ठीक है, तो मूव्ड टुवर्ड्स कॉइल, in that case current is also induced in the coil in the opposite direction, right? Negative, okay, yes sir. And when the magnet is again placed near coil, to placed likh hi chuka hu pehle number mein, to jab aap yahan pe gaur karoge ki jab hum coil ko move kar rahe hain current aa raha hai, yes sir, aur coil ko place karne pe current gayab, yes, यानी कि हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी मैकेनिज्म बनानी होगी कि मैग्नेट मूव करते रहे, यस सर, रुके ना, या अगर ऐसा मैकेनिज्म मेरे पास है कि कॉइल मूव करता रहे, मैग्नेट को तुम फिक्स कर दो यहाँ पे, ये जो तुम्हारा कॉइल है, ये कॉइल तुम्हारा इधर जाए उधर आए, तभी सेम कंडीशन अराइज होगा, जब कॉइल करीब रहेगा तो कोई करंट नहीं होगा, जब कॉइल दूर की तरफ जाएगा, मूव टू अवे फ्रॉम द मैग्नेट, तो फिर करंट आएगा, फिर जब मैग्नेट कॉइल इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेट तो फिर कॉइल करंट गायब हो जाएगा, फिर जब कॉइल को करीब लेकर आएंगे फिर करंट आ जाएगा, फिर करीब लाके छोड़ देंगे फिर करंट गायब हो जाएगा। समझ रहे बात को? Yes, sir. तो जब जब मूव करेंगे तो करंट रहेगा, यही कहना है फैराडे का फर्स्ट लॉ कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, जब जब रिलेटिव मोशन कॉइल और मैग्नेट के बीच में होगा, इसमें ये नहीं लिखा है कि मैग्नेट मूव करेगा या कॉइल मूव करेगा, इसमें लिखा है रिलेटिव मोशन होना चाहिए, मूव कोई सा भी करे, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। कंडीशन ये है कि कॉइल मस्ट बी अ क्लोज लूप, कॉइल मस्ट बी अ क्लोज सर्किट एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ माइकल फैराडे। वॉज अ गराज मैकेनिक एंड लेटर ही बिकम ए साइंटिस्ट, और इतना बड़ा साइंटिस्ट, कितना बड़ा इन्वेंशन किया कि आज हमारे पास जो करंट है वो उन्हीं की वजह से है। माइकल फैराडे, ही वाज जस्ट अ गैराज मैकेनिक इन हिज इनिशियल डेज, राइट? यस सर। हाँ, सो लिख देता हूं मैं, एंड
ईएमएफ, ये लिखो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट इन द सर्किट एज लॉन्ग एज देर इज चेंज इन द फ्लक्स. Induced EMF lasts as long as there is change in the flux taking place. जब तक flux में changes होते रहेंगे, induced EMF रहेगा. Okay. हाँ, एडजस्ट. चलो तो समझ गए. ये था फर्स्ट लॉ. अब बात करते हैं लॉ नंबर टू की. फैराडेज सेकंड लॉ. ठीक है, फैराडेज सेकंड लॉ. और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है. अब सवाल ये उठता है, फैराडे फर्स्ट लॉ से तो हमको ये समझ में आ गया कि जब भी करंट इंड्यूस होगा किसी सर्किट, जब भी मैग्नेट को या कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा करंट इंड्यूस होगा. यस सर. ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा. लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ईएमएफ की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ? और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? आपने क्लास 10th में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ा होगा. Yes, sir. याद है कि राइट हैंड रूल के फर्स्ट थ्री फिंगर्स को अगर आप खोलोगे परपेंडिकुलर रखेंगे, हाँ, परपेंडिकुलरली, तो फिर आपको जो है राइट हैंड रूल से आपको मिल जाएगा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि उस इंड्यूस करंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी या इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड क्या होगी. ठीक है,
और उस डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे लेंजेस लॉ भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फैराडे सेकंड लॉ गिव्स यू द आइडिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ या मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट प्रोड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड द कॉइल, ठीक है। तो इट गिव्स यू द मैग्नीट्यूड, the magnitude of induced EMF, is directly proportional to rate of change in magnetic flux. Induced EMF is proportional to rate of change in magnetic flux. Okay, sir. Rate of change in magnetic flux. मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब ये हुआ कि EMF यानी कि E, EMF को E से डेनोट करते हैं, याद है नहीं याद है? Yes, sir. Is proportional to rate of change in magnetic flux, यानी कि rate of change. Delta phi is change upon delta t rate. Rate के लिए delta t आएगा. This is the second law of Faraday. E यानी कि EMF is proportional to delta phi upon delta t. Rate of change. And from here we find that ki EMF ka average value equal to the delta phi upon delta t ka mod. Ye average value dega aapko. Thik. And E instantaneous, if we need to find the instantaneous value of the induced EMF, it will be like d phi upon dt. हमें पता है कि हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऐसे निकलता है, डिफरेंशिएट करके निकलता है ना बच्चे? यस सर। या नहीं याद है? यस सर, अपने इलेक्ट्रिक उसमें स्टडी उसमें बताया था सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टाइम पे, करंट के टाइम पे बताया था आपको I इक्वल टू dq / dt है। अब वैसे भी क्या तुम्हें 12th में क्या 11th में पढ़ा होगा तुमने ऑलरेडी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? v instantaneous equal to dx by dt. भूल गई? acceleration का instantaneous value equal to होता है dv by dt. yes sir. हैं? alpha instantaneous equal to होता d omega upon dt. कितना बताऊं तुमको? yes sir. चलो 11th का भूल जाओगे ना एडजस्ट, तो कैसे नीट क्रैक करोगी? इलेवेंथ का भूल जाओगी तुम तो नेट कैसे करो क्रैक करोगी बोलो? एडजस्ट कब है पेपर नेट का? अभी तो शुरू नहीं है ना सर, एग्जैक्ट तो फॉर्म भर दिया? नो सर, अभी आया ही नहीं सर, जेई का आया। अच्छा, नेट का भी नहीं आया? नो सर। अच्छा, भरोगी? यस सर, अभी पहले ट्राई करूंगी सर। दिल पे हाथ रख के बोलो तैयारी है? नहीं सर। तो फिर इसे अभी थोड़ा मतलब पता चल जाएगा ना सर कि कैसे। अच्छा, आइडिया लेने के लिए? यस सर। अच्छा ठीक है। देख बेटा, तो ईएमएफ निकल गया हमारा डी फाई अपॉन डीटी से या डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से। अब क्वाइल हम यूज कर रहे हैं मेरे बच्चा, तो क्वाइल के अंदर तो रेजिस्टेंस भी होगा ना बेटे? हाँ, आप अगर ये क्वाइल यूज कर रहे हो तो क्वाइल तो किसी कंडक्टर से बना, कंडक्टर के अंदर एक रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमें पता है, हम जानते हैं, ये तो बचपने वाली बात है ना? तो जब रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल हमारे पास होगा, तो रेजिस्टेंस हमारे पास है, ईएमएफ हमारे पास है, यानी कि वोल्टेज हमारे पास है, रेजिस्टेंस हमारे पास है, तो करंट निकाल सकते हैं। करंट कैसे निकलता? करंट आई एवरेज, यानी कि इंड्यूस्ड करंट।
आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, यस सर, है ना। देखो हमें पता है कि करंट इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो आई एवरेज इक्वल टू, आई एवरेज इज इक्वल टू ई एवरेज एम, यस सर, ठीक है, अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ई एवरेज यानी कि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी टी इनटू वन अपॉन आर, है ना बोलो। yes, अब इंड्यूस्ड इंड्यूस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे निकालोगे, ई इंस्टेंटेनियस अपॉन करंट अपॉन रेजिस्टेंस आर, और ई इंस्टेंटेनियस होगा डी फाई अपॉन डी टी इनटू वन अपॉन आर, वन अपॉन आर, समझ रहे हो बच्चा? यस सर। हाँ, तो जो फैराडे का सेकेंड लॉ है वो आपको इंड्यूस्ड करंट निकालने में सपोर्ट करता है, ठीक है, नोट कर लिया था ना? यस सर। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, केमिस्ट्री क्लास है 8 बजे, यस सर, इज इक्वल टू 5t² + 4t + 1, देन फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced EMF through the coil at t is equal to 1 second, induced EMF निकालने जल्दी से निकालो फटाफट, हो गया बच्चों? तो इसमें इसमें मेजोरिटी है, मैक्स मेजोरिटी क्या, सब ने करेक्ट किया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सब ने करेक्ट किया है, 86.2625, आकृति ने भी करेक्ट किया, मनीषा ने भी करेक्ट किया, नवेद ने, आर्यन ने, इन्होंने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, मिसबा ने शायद किया है, हुमा ने भी अटेम्प्ट नहीं किया, क्या बात है, तुम लोग अटेम्प्ट क्यों नहीं करते हो यार, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि आप लोग अटेम्प्ट क्वेश्चन क्यों नहीं करते, ऑप्शन क्लिक नहीं कर रहे हैं, बट क्लिक नहीं हो नहीं रहा है, अच्छा ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है ना, अच्छा बहुत बढ़िया, क्या बात है, बस नहीं आ, क्या बात है, क्या बात है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन,
हो गया एडजस्ट? एडजस्ट कितने आंसर आया, एडजस्ट आंसर कितना आया आपका? एडजस्ट आर यू हियर, एडजस्ट आर यू देयर? एडजस्ट मेरी आवाज आ रही है तुमको? एडजस्ट एम आई ऑडिबल? एडजस्ट आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है ना, कितने पे? एट टी बराबर 1 सेकंड पे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। टी इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेकंड पे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। क्या होता है फॉर्मूला? E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन, अच्छा टी इक्वल टू 1 सेकंड यानी कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना है, तो डी फाई अपॉन डी टी डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक, तो डी और फाई की वैल्यू है 5t² प्लस 4t प्लस 1 हॉटस्पॉट बटन पामा एंड अपॉन डीटी। एडजस्ट एम आई ऑडिबल टू यू? हु इज पामा ओवर हियर? पामा आई डोंट नो यू। पामा एडजस्ट तुम हो क्या पामा? अच्छा ठीक है, ओके ओके। हाँ बेटा, तो वी नीडेड टू फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर दिस क्वेश्चन, जिसमें फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन गिवन है विद रिस्पेक्ट इन डिफरेंस विद टाइम, दैट इज 5t² प्लस 4t + 1, राइट? वी नीड टू फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, सो वी नीड टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। डिफरेंशिएट करोगे तो ये होगा 5 × 10 10t और प्लस 4 और प्लस 0, ठीक, और t इज इक्वल टू 1, ये आएगा 10t प्लस 4, t इज इक्वल टू 1 पे आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है, सो एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो यहां से ईएमएफ e एट 1 इज इक्वल टू होगा 10 × 1 और प्लस 4 और प्लस 0, तो यानी कि 14 वोल्ट, ईएमएफ एट 1 सेकंड विल बी 14 वोल्ट। EMF at 1 second is 14 volt in this question. 1 second पे जो EMF आया वो कितना आएगा? 14 volt. आई बात समझ में नहीं आई? बोलो. 14 volt. 10. बात समझ में आई? 14 volt. ऐसे निकालेंगे induced EMF. ठीक है? ऐसे निकालेंगे induced EMF. एक क्वेश्चन देता हूँ आपके होमवर्क के लिए, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? दैट अ कॉइल इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of strength B equal to 0.5 tesla. If suddenly the radius of the coil starts shrinking, जो कॉइल का रेडियस है वो अचानक से कम होना शुरू हो गया, स्टार्ट श्रिंकिंग एट द रेट ऑफ, कितने रेट से श्रिंक हो रहा है? एट द रेट ऑफ 0.1 mm/s, ठीक है? फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द conducting coil
when radius is 5 सेंटीमीटर, कॉइल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। चलो ये क्वेश्चन था, आप जल्दी से केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है, नोट कर लिया ना।